परफेक्ट फाउंडेशन के लिए सबसे जरूरी है अपने स्किन टाइप के अनुसार फाउंडेशन चूज कीजिए। देयर आर 3 स्किन टाइप। नॉर्मल स्किन टाइप्स के लिए मार्केट में अवेलेबल कई तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए यू हैव टू यूज लिक्विड फाउंडेशन या तो क्रीम फाउंडेशन। दिस विल नरिश योर स्किन एट द सेम टाइम विल लीव यू विद अ ग्लो। ऑयली स्किन के लिए आप एक लिक्विड फाउंडेशन यूज करें जो आपके स्किन को थोड़ा मैटिफाई करे और ज्यादा शाइनी ना बनाए। इवन पाउडर फाउंडेशंस आर बेस्ट फॉर ऑयली स्किन। Now that you've chosen the foundation type, अभी right shade choose करना बहुत ही जरूरी है। अपने skin shade के अनुसार 3 closest shade आप choose करें, पर हाथों पे try मत कीजिए, directly face पे try कीजिए। आखिर में वही shade choose करें जो आपके skin के साथ blend हो जाए। Shade चुनते वक्त आप एक या तो आधा shade darker choose कर सकते हैं। This will even out the entire skin. मेकअप करते वक्त इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मेकअप के सही टूल्स इस्तेमाल करें। ब्यूटी ब्लेंडर आप एक लिक्विड फाउंडेशन के साथ यूज कर सकते हैं, इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी इवन लुक। डेंसली पैडेड ब्रश जनरली आप क्रीम या तो लिक्विड फाउंडेशन के साथ आप यूज कर सकते हैं, इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी नाइस नेचुरल लुक। ऐसा एक डेंस ब्रश आप यूज कर सकते हैं लिक्विड, क्रीम या तो पाउडर फाउंडेशन के साथ। फेस मेकअप हो जाने के बाद डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स को ढकने के लिए यू हैव टू यूज अ कंसीलर। ऐसा एक कंसीलर चूज करें जो अपने फाउंडेशन के साथ मैच करता हो। जहां जरूरत हो सिर्फ उसी जगह पे कंसीलर लगाएं, डोंट यूज इट ऑल ओवर द फेस। मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद आपका मेकअप सेट कीजिए विद अ सेटिंग पाउडर और अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। अगर आपके पास आपका कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे भी आप मेकअप सेट कर सकते हैं। फाउंडेशन लगाते वक्त अगर आप इन बातों पे ध्यान दें तो आपका फाउंडेशन ज्यादा देर तक टिका रहेगा।